हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 12 जून 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और ललन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। यह करंट अफेयर क्वेश्चन कुमार गौरव सर के करंट अफेयर से लिया गया है, जिसमें आप सभी को 12 जून के दैनिक समसामयिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को सॉल्व करने वाले हैं। तो बस आप हमारे साथ 20 से 25 मिनट बने रहें, जिसमें आप सभी को 10 करंट अफेयर क्वेश्चन जो कि 12 जून का होगा, इसके बाद 10 करंट अफेयर क्वेश्चन जो कि 11 जून का होगा, इसको भी हम रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो हमारे साथ कितना देर बने रहें, 20 से 25 मिनट बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं 12 जून के दैनिक समसामयिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ स्टूडेंट वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में विमान दुर्घटना में मरने वाले उपराष्ट्रपति सौलोस चिलिमा का संबंध किससे है? तो उपराष्ट्रपति सौलोस चिलिमा का संबंध किस देश से है? इनका भी हाल ही में जो है विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गया है, तो आपको याद रखना है सौलोस चिलिमा, ये पूछे जो है ये किस देश के हैं, तो ये मलावी देश के हैं, ये आपको याद रखना है। ये मलावी देश के क्या हैं, तो ये वाइस प्रेसिडेंट हैं। इनका भी हाल ही में प्लेन क्रैश में मृत्यु हो गया, ठीक है, प्लेन क्रैश में इनकी क्या हुई है, मृत्यु हो गई है, डेथ हो गया है, ये आपको याद रखना है। और अगर बात करें कि मलावी जो है किस महाद्वीप का देश है, तो मलावी जो है अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। कहाँ का? अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। और मलावी की अगर पूछे राजधानी क्या है, तो लिलिंगवे इसकी राजधानी है, ली लोंगवे इसकी राजधानी है, ठीक है। तो मलावी देश के वाइस प्रेसिडेंट की भी प्लेन क्रैश में मृत्यु हो गई है, और मलावी का जो राजधानी है इसका नाम है लिलिंगवे, और यह किस महाद्वीप का देश है, तो यह अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मलावी, ठीक है। इसके बाद अभी बात करते हैं, कुछ दिनों पहले जो है ईरान के प्रेसिडेंट थे इनकी भी जो है क्या होती है, प्लेन क्रैश में दुर्घटना हो जाती है। तो आपको बताना है कि ईरान के प्रेसिडेंट का क्या नाम था, तो इनका नाम था इब्राहिम रईसी। क्या नाम था? इब्राहिम रईसी इनका नाम था, ये आपको याद रखना, ठीक है। क्या नाम था? इब्राहिम रईसी इनका नाम था, ये आपको याद रख लेना, ठीक है। तो हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, उपराष्ट्रपति सौलोस चिलिमा का संबंध किस देश से है, तो ये मलावी के हैं। इनका भी विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गया है, आप इनका चित्र देख सकते हैं, ये कौन है, तो ये है सौलोस चिलिमा, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न हमारा है दूसरा, ठीक है, दूसरे प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में UNSC में इजराइल गाजा युद्ध विराम योजना किसने प्रस्तुत किया है? तो हाल ही में UNSC में इजराइल गाजा युद्ध विराम योजना किसने प्रस्तुत किया है, इसके बारे में आप सभी को बताना है कि हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा। तो UNSC की बात करते हैं, इसे जो है सुरक्षा परिषद कहते हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ये इसका फुल फॉर्म होता है। अभी जो है बात करें कि इसमें जो है टोटल कितने देश शामिल होते हैं, तो टोटल इसमें 15 देश शामिल होते हैं, ठीक है। कितने देश? 15 देश शामिल होते हैं, जिनमें 5 देश जो है अस्थाई होते हैं, बाकी के 10 देश जो है 5 देश इसमें अस्थाई होते हैं, और 10 देश कैसे होते हैं, अस्थाई होते हैं। तो जो ये 5 देश होते हैं अस्थाई, इनके पास जो है क्या होती है, वीटो पावर होता है। क्या होता है? वीटो पावर होता है, ये आपको याद रख लेना है। और इन पांच देशों में जिनके पास वीटो पावर होता है, वो कौन कौन से देश हैं, तो पहले नंबर पर USA हो जाता है, दूसरे नंबर पर बात करें UK यानी ब्रिटेन हो जाता है, तीसरे नंबर पर बात करें कौन हो जाता है, तो रसिया हो जाता है, चौथे नंबर पर बात करें कौन हो जाता है, तो चीन हो जाता है, और पाँचवें नंबर पर बात करें तो कौन हो जाता है, तो वह फ्रांस हो जाता है, ठीक है। तो USA, UK, रसिया, चाइना और फ्रांस, ये जो है UNSC यानी सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य हैं जिनके पास वीटो पावर है, ठीक है। ये किसी भी कार्य पर या किसी भी फाइल पर ना करने का इनके पास अधिकार होता है। और अगर बात करें अस्थायी कितने होते हैं, तो 10 होते हैं। इनका जो है कार्यकाल पूछे कितना होता है, तो जो इसमें 10 सदस्य शामिल होते हैं, इनका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए होता है, इसके बाद इन्हें बाहर कर दिया जाता है। तो अब तक जो है अगर बात करें कि UNSC में भारत कितनी बार अस्थायी सदस्य बन चुका है, तो भारत 8 बार अस्थायी सदस्य बन चुका है। तो अभी जो है इसके बारे में मैंने पूरी जानकारी इतना दे दिया UNSC के बारे में, ये आपको याद रखना है। अब देखते हैं कि जो है इजराइल गाजा युद्ध विराम योजना, इजराइल गाजा युद्ध विराम योजना अगर पूछे इसका प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया है UNSC में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा USA ने प्रस्तुत किया है, ये आपको याद रखना है। और अगर पूछे कि USA में कितने मत पड़े हैं, तो ये आपको याद रखना नहीं है, आपको सिर्फ ये रखना है कि इस प्रस्ताव के विपक्ष में
कौन खड़ा था, तो रूस खड़ा था। ठीक है, कौन खड़ा था, रूस खड़ा था, यानी कि इस प्रस्ताव को रोकना नहीं चाहता था, लेकिन यूएसए के साथ जो है इसने वोट नहीं किया है। ठीक है, तो विपक्ष में कौन था, जो आपको याद रखना है, विपक्ष में कौन था, विपक्ष में रूस था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें जो है जो ये प्रस्ताव आया है गाजा और इसराइल युद्ध विराम के लिए, इसमें तीन प्रस्ताव पास किए गए हैं। इसमें जो है यूएसए के द्वारा तीन प्रस्ताव लाया गया है। इसमें पहला चरण क्या है, अगर इसमें पूछे, तीन चरण आए हैं। पहला चरण पूछे क्या है, जो हमास जो है, जो हमास इसराइलियों को बंधक बना के रखा है उनको छोड़ेगा। ठीक है, तो जो हमास इसराइलियों को बंधक बना के रखा है उसको छोड़ेगा, ये पहला हो जाता है। दूसरे की बात करें, दूसरा क्या हो जाएगा, जो हमास और इसराइल के बीच शत्रुता है, यानी कि जो दुश्मनी है, इसको जो है ख़त्म किया जाएगा। ठीक है, इस शत्रुता को जो है ख़त्म करने का सल्यूशन ढूंढा जाएगा, तो इसके लिए सल्यूशन ढूंढा जाएगा, ये आपको याद रखना है। और तीसरा पूछे क्या है, तो तीसरा ऊपर लिख देते हैं, तीसरा जो गाजा में नुकसान हुआ है उसमें जो है यूएनएससी मदद करेगा और साथ में इसराइल भी उसमें विकास करने वाला है। ठीक है, तो ये तीन पक्ष इसमें रखे गए हैं, तो ये आपको याद रख लेना है। इसराइल गाजा युद्ध विराम योजना किसने प्रस्तुत किया है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, तो ये यहाँ पे जो है गाजा के लिए जो है प्रस्ताव कौन लाया है, यूएसए लाया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं, प्रश्न हमारा हो जाता है तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न के बारे में देख लेते हैं, हाल ही में दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय, पहला अंतर्राष्ट्रीय, ये आपको याद रखना है, हाल ही में दुनिया भर में पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2024 कब मनाया गया है, तो इसका सही जवाब बताना है क्या हो जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस अगर बात करें, इसकी विषय क्या रखी गई है, विषय या फिर पूछे थीम क्या रखी गई है, तो ये आपको याद रखना है। तो पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस की थीम रखी गई है, खेल एक बेहतर दुनिया बनाता है। क्या विषय है इसका, खेल एक बेहतर दुनिया बनाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, बेहतर दुनिया बनाता है या इसकी थीम हो जाएगी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगर वही बात करें, यह पहली बार मनाया गया है और कब मनाया गया है, तो यह 11 जून को मनाया गया है, तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, जो अभी जो है कुछ दिनों पहले कुछ और महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे होता है, अगर पहले बात करते हैं कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय खेल दिवस अगर पूछे कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आप सभी को याद है मेजर ध्यानचंद जी के बर्थडे के दिन मनाया जाता है, और यह मनाया जाता है 29 अगस्त को। कब मनाया जाता है, तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। अभी कुछ दिनों पहले एक दिवस और मनाया गया था, विकास और शांति खेल दिवस, विकास और शांति खेल दिवस कब मनाया गया था, तो अभी मनाया गया था, यह कब मनाया गया था, तो यह मनाया गया था 6 अप्रैल को। विकास और शांति के लिए खेल दिवस कब मनाया गया था, तो 6 अप्रैल को ये मनाया गया था, यह भी याद रखना है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2024 कब मनाया गया है, तो 11 जून को मनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण 2024 में जो पहली बार मनाए गए हैं उसको देख लेते हैं। तो पहली बार कौन कौन से दिवस 2024 में मनाए गए हैं, पहला देखते हैं आलू दिवस पहली बार कब मनाया गया है, तो आप सभी को बता दें कि यह मनाया गया है 30 मई को। ठीक है, तो 30 मई को पहली बार आलू दिवस मनाया गया है। दूसरा पूछे तो कौन सा मनाया गया है, दूसरा मनाया गया मरखोर दिवस, यह एक बकरी की प्रजाति है, इसे आप याद रखना है। मरखोर दिवस कब मनाया गया है, तो यह 24 मई को मनाया गया है। कब मनाया गया, 24 मई को मनाया गया है। और नेक्स्ट देखें तो पहली बार ही मनाया गया है फुटबॉल दिवस, तो फुटबॉल दिवस पहली बार कब मनाया गया है, ये आपको याद रखना है। फुटबॉल दिवस पहली बार कब मनाया गया है, तो यह 25 मई को यह मनाया गया है। ठीक है, सॉरी, तो तीन दिवस याद रखना, आलू दिवस 30 मई को, मरखोर दिवस 24 मई को, इसके बाद फुटबॉल दिवस 25 मई को मनाया गया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया है, तो आप सभी को मैंने बता दिया 11 जून को मनाया गया है। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न हमारा चौथा है, हाल ही में नागरिकों की कमी के कारण गैर नागरिक अस्थाई निवासियों को सशस्त्र बलों में शामिल करने की घोषणा किसने करी है। इसमें ये पूछा गया है कि ऑस्ट्रेलिया देश में नागरिकों की कमी है किस क्षेत्र में, सशस्त्र यानी कि सेनाओं में भर्ती के लिए उस देश में नागरिकों की कमी है। तो ऑस्ट्रेलिया ने एक प्रस्ताव लेकर आया है जिसमें गैर नागरिकों को अपने यहाँ पे सेना में शामिल किया जाएगा, जिसको नौकरी करनी है तो वो ऑस्ट्रेलिया जा सकता है। उसके लिए इसमें एक कंडीशन रखा गया है
कि आपको अगर अमेरिका में भारतीय सेना में मतलब अमेरिकी सेना में शामिल हो, ऑस्ट्रेलियाई सेना में आप सभी को शामिल होना है, तो आपको 12 मंथ तक, ठीक है, 12 मंथ तक पहले तो कहाँ रहना है, आप सभी को ऑस्ट्रेलिया में रहना है। इसके बाद वहाँ के आप निवासी बन जाएंगे और फिर आप जो है किस में शामिल हो सकते हैं, वहाँ की आर्मी में शामिल हो सकते हैं, ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। तो इस प्रकार का प्रस्ताव किसने लेकर आया है, ऑस्ट्रेलिया ने लेकर आया है, ये आपको याद रख लेना है। और सबसे ज़्यादा इसमें प्राथमिकता पूछे किस क्षेत्र के निवासियों को दी गई है, तो ऑस्ट्रेलिया जो है एक संगठन में शामिल है जिसका नाम है 5i Alliance, 5i Alliance जो है यह एक संगठन है, ठीक है, यह एक संगठन है 5i Alliance। इसमें जो है यहाँ के नागरिकों के लिए सबसे ज़्यादा पहली प्राथमिकता दिया है ऑस्ट्रेलिया ने अपने यहाँ पे आर्मी में शामिल होने के लिए। तो इस संगठन में कौन से देश के नागरिक मतलब कौन से देश शामिल हैं, तो 5i Alliance में शामिल है पहला तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, दूसरा पूछे कौन हो जाएगा, USA हो जाएगा, और तीसरा पूछे कौन हो जाएगा, तो यह हो जाएगा UK, और चौथा पूछे कौन हो जाएगा तो कनाडा हो जाएगा, चौथा कौन हो जाएगा तो कनाडा हो जाएगा, और पांचवा पूछे तो कौन हो जाएगा तो न्यूजीलैंड हो जाएगा। तो पहला ऑस्ट्रेलिया, दूसरा USA, तीसरा UK, चौथा कनाडा और पांचवा न्यूजीलैंड। तो यहाँ के लोगों के लिए सबसे पहली प्राथमिकता इसने दिया है। यह संगठन का कार्य क्या है, इस संगठन का कार्य है आई मतलब होता है निगरानी रखना, ठीक है। तो खुफिया संगठनों पर निगरानी रखने के लिए 5i Alliance का गठन किया गया है, और यहाँ के नागरिकों के लिए पहली प्राथमिकता दी है ऑस्ट्रेलिया ने अपने यहाँ पे आर्मी में शामिल रखने के लिए। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन D, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं नागरिकता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। जैसे नागरिकता अगर पूछे कि किस भाग में इसका उल्लेख किया गया है, तो नागरिकता के बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। तो नागरिकता का उल्लेख अगर पूछे भाग किस में है, तो भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। अगर पूछे आर्टिकल कौन सा है यानी अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद है 5 से 11, ठीक है, 5 से 11 इसका उल्लेख है। अगर पूछे हमारे यहाँ पे नागरिकता किस प्रकार का है, एकल है या दोहरी, तो हमारे यहाँ पे एकल नागरिकता है, ये आपको याद रख लेना है। अगर उन्हें पूछे यूएसए में किस प्रकार की नागरिकता है, तो दोहरी नागरिकता है। किस प्रकार की, दोहरी नागरिकता है। जैसे कि आपको सबसे पहले USA का यानी कि उस देश की नागरिकता लेनी पड़ेगी, पहला तो ये कंडीशन हो जाएगा। और दूसरा, जो अमेरिका में 50 प्रांत हैं, आप मान लीजिए कि जैसे कैलिफोर्निया में रहते हैं, तो यहाँ की भी आपको नागरिकता लेनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको USA का नागरिकता लेना पड़ेगा, दूसरे नंबर पर प्रांत का भी आप सभी को नागरिकता लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोहरी है, हमारे यहाँ पर क्या है, एकल नागरिकता है, जो कि कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। हमारे यहाँ का जो है एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न हमारा है 5वां, ये ऑस्ट्रेलिया आप देख सकते हैं, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ऑस्ट्रेलिया ये देश हो जाता है, आप सभी इसको ध्यान से देख सकते हैं। यहाँ पे एक जल संधि आप सभी को याद रखना है, एक जल संधि आप सभी को याद रखना है। यहाँ पे एक है बॉस जल संधि आप सभी को याद रखना है। अगर पूछे कि यह किस देश के मध्य है, तो यह ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में है, कौन सी जल संधि, तो बॉस जल संधि है। जब यहाँ पे जो जलधाराएं चलती हैं, तो पूछता है कि ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी क्षेत्र में किस प्रकार की जलधाराएं चलती हैं, ठंडी या गर्म, तो यहाँ पे ठंडी जलधारा चलती है। किस प्रकार की ठंडी जलधारा चलती है, जो कि किस हिंद महासागर से यह हवाएं चलती हैं और यह ठंडी जलधाराएं होती है। जबकि पूछे कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में किस प्रकार की जलधाराएँ चलती हैं, तो यहाँ गर्म जलधाराएँ चलती हैं, और यह गर्म धाराएँ कहाँ से उठती हैं, तो यह उठता है प्रशांत महासागर से, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे है, आप देख सकते हैं, पूरी जानकारी मैंने बता दिया है। यहाँ पे है कोरल रीफ, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ है, ये आपको याद रख लेना है, यानी कि सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति पूछे कहाँ पे है, तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में है, ठीक है। तो यहाँ पे कोरल सी है, ये भी आपको याद रख लेना, ठीक है, यह हमारा सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे 2 खान है, सोने की खान है, एक तो कुलगार्डी, एक तो है कुलगार्डी, तो ये दोनों कुलगार्ली और एक जो है कालगर्डी, ये दोनों सोने की खान है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के पर्थ जिले में पड़ता है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया का एक प्रांत है पर्थ, यहाँ पे दोनों सोने की खान पड़ती हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट अब प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न हमारा 5वां है, 5वां प्रश्न है, यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित होगा, तो इसका सही जवाब बताएं क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यूक्रेन शांति के लिए जो है, अगर पूछे कि शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हो रहा है, तो यह शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हो रहा है, तो यह हो रहा है शिखर सम्मेलन कहाँ पे हो रहा है, तो यह स्विट्जरलैंड के बर्न में हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है, तो स्विट्जरलैंड के बर्न में।
ठीक है, कहाँ पर? तो ये बर्न जिला है, मान लीजिए एक प्रांत है स्विट्जरलैंड का, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा बर्न में। तो यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह बर्न में किया गया है, हमारा सही जवाब हो जाएगा। आप सभी को यहाँ पे दिख रहा है तो यूक्रेन यानी कि जो रूस और यूक्रेन के बीच में संघर्ष हुआ है उसके बीच शांति करने के लिए यहाँ पे स्विट्जरलैंड में शांति शिखर सम्मेलन का आयोजित किया गया है। तो पूछे अगर इसमें रूस ने भाग लिया, तो रूस ने इसमें भाग नहीं लिया था, ठीक है। तो रूस इसमें जो है भाग नहीं लिया था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर बात करते हैं रूस के प्राइम मिनिस्टर कौन हैं, तो रूस के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, पीएम कौन बने हैं, तो मिखाइल मिशुस्तिन बने हैं। कौन बने हैं? मिखाइल मिशुस्तिन बने हैं। जबकि यहाँ के प्रेसिडेंट कौन हैं? तो पुतिन यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? स्विट्जरलैंड में किया गया है। एक और क्वेश्चन आप सभी के लिए इसी में है, इसको भी आप याद रखेंगे। एक तो अभी एक और सम्मेलन हुआ है जिसे कहते हैं ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी श्रम संगठन के लिए एक और शिखर सम्मेलन हुआ है, ये आपको याद रख लेना है। तो श्रम संगठन के लिए अगर पूछे कहाँ पर इसकी बैठक हुई है, तो 192 नंबर की अब की बार बैठक हुई है जिनेवा में। कहाँ हुई है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुई है, तो ये भी आपको याद रख लेना है। ILO की बैठक अभी हाल ही में कहाँ हुई है? तो जिनेवा में हुआ है, ये आपको याद रख लेना है। अगर पूछे इसकी स्थापना कब की गई थी, तो ILO की स्थापना की गई थी 1919 में। कब की गई थी? तो 1919 में की गई थी। और इसका मुख्यालय पूछे कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय है जिनेवा में, ठीक है। और इसकी बैठक अभी और इसका मुख्यालय दोनों याद रखेंगे, याद हो जाएगा। इसकी बैठक 12वें नंबर की कहाँ हुई है? तो जिनेवा में हुआ है। अगर पूछे कि ILO में अगर टोटल कितने सदस्य देश हैं, तो कुल सदस्य पूछे कितने हैं, तो 187 देश हैं। इसमें कितने देश हैं? तो 187 देश हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगर तो मैंने प्रश्न किया यूक्रेन शांति का शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? स्विट्जरलैंड में। और इसके बाद ILO की 112वीं बैठक कहाँ हुई? तो जिनेवा में। ये आप देख सकते हैं, ये है शिखर बैठक कहाँ पे शांति के लिए यूक्रेन और रूस के बीच बैठक होना था, जिसमें रूस ने भाग नहीं लिया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, प्रश्न हमारा है छठा प्रश्न, छठे प्रश्न के बारे में देख लेते हैं। छठवां प्रश्न हमारा, विश्व बैंक के कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक 2023 में टॉप 20 में शामिल भारत का एकमात्र बंदरगाह कौन सा है? तो एक सूचकांक जारी होता है जिसका नाम है कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक। यह कौन जारी करता है? तो यह वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक जारी करता है, ये आपको याद रखना है। और इस सूचकांक में टॉप 20 जो बंदरगाह है इसको शामिल किया गया, ठीक है। कितने बंदरगाह? तो 20 बंदरगाह इसमें मोस्ट शामिल किए गए हैं। अगर आप सभी से पूछे कि इसमें भारत का कौन सा बंदरगाह शामिल किया गया है, तो अगर बात करें भारत में इसका पहला स्थान हो जाता है विशाखापट्टनम का पहला स्थान हो जाता है, ठीक है। अगर वहीं पूछे कि विश्व लेवल पर विशाखापट्टनम को कौन सा स्थान मिला है, तो इसको वर्ल्ड में 19वां स्थान मिला है। भारत में अगर पूछे पहला कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक में पहला स्थान किस बंदरगाह को मिला है, तो पहला स्थान भारत में मिला है विशाखापट्टनम को, याद रखना। और विश्व में कौन सा स्थान मिला है, तो 19वां स्थान मिला है। नेक्स्ट अगर पूछे कि भारत में दूसरा स्थान किस एयरपोर्ट को मिला है, तो दूसरा स्थान मिला है मुंद्रा पोर्ट को। किसे मिला है? मुंद्रा पोर्ट को मिला है, जो कि कहाँ है? गुजरात में है। और किसका ये एयरपोर्ट है? तो यह अडानी ग्रुप का एयरपोर्ट है, ये आपको याद रखना है। अगर पूछे विश्व में इसको कौन सा स्थान मिला है, तो विश्व में इसको 27वां स्थान मिला है, ये दोनों याद रखना है, ठीक है। तो ये हमारे भारत का सही जवाब हो जाएगा। पहला नंबर किसका है? तो विशाखापट्टनम का है। इसको जो है कितना स्थान मिला है, तो 19वां स्थान मिला है विश्व लेवल पर। इसके बाद अगर पूछे कि कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक में पहला स्थान विश्व में किस एयरपोर्ट को मिला है, तो यांगशान को मिला है। किसको मिला है? यांगशान को मिला है, ये आपको याद रख लेना है। और ये कहाँ का एयरपोर्ट है, तो यह चीन का एयरपोर्ट है। दूसरा पूछे किस एयरपोर्ट को मिला है, तो सलालाह को मिला है, सलालाह एयरपोर्ट को मिला है, बंदरगाह को मिला है। और ये पूछे कहाँ का है, यह ओमान का बंदरगाह है, इसे दूसरा स्थान मिला है। पहला स्थान किसे मिला है, तो यांगशान को मिला है। तो हमारा दोनों इसे भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। वहीं अगर बात करें कि कामराज या एन्नोर एयरपोर्ट कहाँ पे है, तो यह है तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु में है। और इसको भी कौन सा स्थान मिला है, तो विश्व में इसको 47वां स्थान मिला है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, विशाखापट्टनम सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ये देख सकते हैं विशाखापट्टनम एयरपोर्ट बंदरगाह, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न हमारा है
सातवां बहुत ही महत्वपूर्ण है, हाल ही में उड़ीसा का मुख्यमंत्री किसे चुना गया है? तो उड़ीसा का मुख्यमंत्री किसे चुना गया है आप सभी को पता है, उड़ीसा में जो है 24 साल से लगातार, कितने साल से, तो 24 साल से लगातार कौन सीएम रहे हैं, तो नवीन पटनायक जी यहाँ के सीएम रहे थे। ठीक है, कौन? नवीन पटनायक जी 24 साल से उड़ीसा के सीएम रहे हैं, ये आपको याद रख लेना है। लेकिन अभी जो है विधानसभा का चुनाव हुआ, इसमें जो है कौन जीत गया है, तो बीजेपी जीत गई है। कौन जीती है? तो बीजेपी यहाँ पे जीत गई है। और टोटल जो है कितनी सीटें हैं यहाँ पे, तो उड़ीसा लोकसभा चुनाव में, अरे विधानसभा चुनाव में कुल कितनी सीटें हैं, तो 147 सीट है। 147 सीट में से अगर पूछे बीजेपी ने कितना जीता है, तो 78 सीट बीजेपी ने जीता है। और इसके बाद जो है बीजेपी ने अपना उड़ीसा का सीएम किसे घोषित किया है, तो मोहन चरण मांझी जी को किया है, जो कि एक आदिवासी नेता है। कौन है? ये आदिवासी नेता है, ये आपको याद रख लेना है। तो उड़ीसा के नए सीएम कौन बनाए जाएंगे, तो मोहन चरण मांझी जी बनाएंगे, ये आपको याद रखना है। अगर पूछे कि ये क्या है, तो यह एक आदिवासी नेता है। और ये कहाँ से चुने गए हैं, ये यानी कि ये एमएलए किस सीट से चुने गए हैं, तो क्योझर सीट से। कहाँ से? क्योझर सीट से जो है ये एमएलए चुने गए हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और ये इस सीट से 4 बार लगातार जो है एमएलए चुने गए हैं, विधायक चुने गए हैं, ये आपको याद रख लेना है। तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन चुने गए हैं, मोहन चरण मांझी चुने गए हैं। नेक्स्ट दो और प्रश्न महत्वपूर्ण है, याद रखना है आप सभी को। यहाँ के अगर पूछे सीएम कौन बनाए गए हैं, तो सीएम मोहन चरण सिंह बनाए गए हैं। लेकिन अगर पूछे डिप्टी सीएम कौन बनाए गए हैं, तो डिप्टी सीएम दो लोगों को याद रखना है। एक तो आपको याद रखना है केवी सिंह देव को, और दूसरा याद रखना है प्रवती परिंदा जी को। ठीक है, तो पर्वती परिंदा जी को याद रखना है, ये महिला है। बाकी ऊपर के केबी सिंह क्या है, ये मेल है, और ये नीचे वाली कौन है, ये फीमेल है। ठीक है, तो डिप्टी सीएम भी याद रखना है और सीएम भी याद रखना है। कौन बनाए गए हैं, तो मोहन चरण मांझी जी बनाए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण अभी जो हाल फिलहाल में राज्यों में सीएम चुने गए हैं उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे मध्य प्रदेश के सीएम कौन बनाए गए हैं, इसके बाद राजस्थान के सीएम कौन बनाए गए हैं, नेक्स्ट देखें तो छत्तीसगढ़ के सीएम कौन बनाए गए हैं, तेलंगाना के सीएम कौन बनाए गए हैं, इसके बाद आंध्र प्रदेश के सीएम कौन बनाए गए हैं, और लास्ट में देखते हैं हरियाणा के सीएम कौन बनाए गए हैं। तो ये सभी कुछ महत्वपूर्ण सीएम के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश के सीएम कौन बनाए गए हैं, तो मोहन यादव जी बनाए गए हैं, ये आपको याद रखना है। कौन बनाए गए हैं, मोहन यादव जी बनाए गए हैं। राजस्थान के कौन बनाए गए हैं, तो भजन लाल जी बनाए गए हैं, ये आपको याद रखना है। कौन बनाए गए हैं, भजन लाल जी बनाए गए हैं। छत्तीसगढ़ के कौन बनाए गए हैं, विष्णु देव साय जी बनाए गए हैं, तो ये छत्तीसगढ़ के बनाए गए हैं। तेलंगाना के कौन बनाए गए हैं, तो रेवंत रेड्डी जी बनाए गए हैं, ये आपको याद रखना है। और झारखंड के आंध्र प्रदेश के भी जो है आज ये शपथ लेने वाले हैं, तो आंध्र प्रदेश के कौन बनाए जाएंगे, चंद्रबाबू नायडू बनाए जाएंगे। कौन बनाए जाएंगे, तो चंद्रबाबू नायडू जी बनाए जाएंगे। और हरियाणा के पूछे कौन बनाए जाएंगे, तो ये कौन बने हैं, तो नायब सिंह बादल बने हैं। ठीक है, नायब सिंह सैनी बने हैं, नायब सिंह सैनी जो है कहाँ के सीएम बने हैं, तो ये हरियाणा के सीएम बने हैं। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी जी बने हैं। ठीक है, ये हैं मोहन चरण मांझी जी। ठीक है, ये इतने उदास हैं शायद लगता है कि ये सोकर उठे नहीं थे, इनको उठा के डायरेक्ट बोल दिया गया कि चलो उड़ीसा के सीएम बन गए हो, ये गुस्से में आके बैठ गए हैं। ठीक है, और ये कुछ बोल भी नहीं रहे थे। सेकेंड प्रश्न की बात करें, मतलब नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, हमारा प्रश्न है आठवां प्रश्न, हाल ही में इसको देखते हैं, प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण के अनुसार दूध और दुग्ध उत्पादों का सर्वाधिक उपयोग करने वाला शीर्ष राज्य कौन सा है, यानी कि दूध और दूध से बने प्रोडक्ट का सबसे ज़्यादा उपयोग करने वाला राज्य कौन सा बन गया है, तो वह बन गया है हरियाणा। इसके बारे में बहुत सारी जानकारी आप सभी को याद रखना है, क्योंकि घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण रिपोर्ट अभी जारी हुआ है, तो इसमें बताया गया है कि दूध और दुग्ध उत्पादन का सबसे ज़्यादा प्रयोग करने वाला यानी उपयोग करने वाला राज्य कौन सा है, तो हरियाणा है, ये आपको याद रखना है। सॉरी, तो ये हमारे सही जवाब हो जाएगा। अगर पूछे कि यह रिपोर्ट जो है कितने सालों में प्रस्तुत किया जाता है, तो यह 5 साल में एक बार यह रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाता है, ये आपको याद रखना है। अगर पूछे कि यह रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तो सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के द्वारा यह रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, मंत्रालय के द्वारा यह रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाता है। तो पहला याद रखेंगे, दूध और दुग्ध से बने उत्पादों का सबसे ज़्यादा उपभोग कौन करता है, हरियाणा करता है। इसके बाद अगर बात करते हैं कि जो पेय पदार्थ है यानी कि जो ड्रिंक वाला पदार्थ होता है,
ड्रिंक वाला पदार्थ सबसे ज़्यादा कहाँ पे यूज होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ड्रिंक वाला कहाँ पे यूज होता है, तो ड्रिंक वाला सबसे ज़्यादा यूज किया करते हैं तमिलनाडु में, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर बात करें मांस, मतलब मांसाहारी अगर देखा जाए, तो मांस, मछली, अंडा, इन सभी में अगर पूछे सबसे ज़्यादा इसका उपयोग कहाँ के राज्य के लोग करते हैं, तो इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं केरल में। कहाँ करते हैं? मछली वगैरह, तो ये कहाँ करते हैं, तो इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा कहाँ किया जाता है? केरल में किया जाता है, ये आपको याद रखना है। वहीं दो और रिपोर्ट याद रखना, एक तो परिवहन के मामले में पहला नंबर अगर पूछे कौन है तो वह केरल है, और इसके बाद चिकित्सा के क्षेत्र में भी पूछे सबसे ज़्यादा व्यय कौन करता है, तो केरल करता है। तो तीन चीज़ याद रखना है, एक तो मांस, मछली, अंडा का सेवन सबसे ज़्यादा कहाँ के लोग करते हैं? केरल के करते हैं, और परिवहन और चिकित्सा में सबसे ज़्यादा कौन खर्च करता है? तो केरल करता है। ड्रिंक का प्रयोग सबसे ज़्यादा किस राज्य के लोग करते हैं? तमिलनाडु के करते हैं। और इसके बाद दूध और दुग्ध उत्पादों का सर्वाधिक प्रयोग करने वाला राज्य कौन सा है? तो वह हरियाणा, हमारा सही जवाब हो जाएगा हरियाणा। और पूछे घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के द्वारा या हर 5वें साल प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है, तो ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, प्रश्न हमारा है 9वां, हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है? तो ये आपको याद रख लेना है कि नेवी में पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है, तो इसका सही जवाब बताएं क्या हो जाएगा। तो नेवी में पहली महिला पायलट कौन बनी है, ये आपको बताना है। तो पहली महिला कौन बन गई हैं, फर्स्ट लेडी कौन बनी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अनामिका बी राजी राव बन गई हैं, राजीव बन गई हैं, अनामिका जी राजीव बन गई हैं, जो कि नेवी की पहली महिला क्या बनी है? पायलट बनी है, ये आपको याद रख लेना है। पायलट कौन बनी है? तो पायलट बनी है अनामिका बी राजीव जी बनी हैं। और पूछे कि इसका अगर आयोजन कहाँ किया गया था, तो नेवी के लिए जो इनको चुना गया था पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट, इसका आयोजन अगर पूछे होस्ट कहाँ किया गया था, तो इसका होस्ट कहाँ किया गया था तो INS राजा जी जगह पर किया गया था, ठीक है, तो ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। हेलीकॉप्टर की पहली महिला हेलीकॉप्टर कौन चुनी गई है नौसेना में, तो अनामिका बी राजीव जी चुनी गई हैं, ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। वहीं अगर प्रश्न बात करते हैं कि बीएसएफ की पहली महिला फीमेल स्नाइपर कौन बनी है, स्नाइपर बनी है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा सुमन कुमारी जी बनी है, ये भी आपको याद रखना है। वहीं पूछे कि 2024 में जो आर्मी है यह किस के लिए वर्ष अपना सेलिब्रेट किया है, तो 2024 में आर्मी ने अपना किस वर्ष का क्षेत्र घोषित किया है या किस प्रकार से अपना सेलिब्रेट किया है, तो आर्मी ने अपना तकनीकी व अन्वेषण वर्ष घोषित किया है किसने, तो आर्मी ने घोषित किया है। नेक्स्ट हमारा है कि 2024 का वर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूछा जाए तो किसे घोषित किया गया है, तो 2024 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2024 का वर्ष घोषित किया गया है ऊँटों के लिए, किसको, तो ऊँटों के लिए घोषित किया गया है, ये आपको याद रख लेना है। जबकि 2023 अगर पूछे किसके लिए घोषित किया गया था, तो मोटे अनाजों के लिए घोषित किया गया था, ठीक है, तो मोटे अनाजों के लिए 2023 का वर्ष और 2024 का ऊँटों के लिए घोषित किया गया था। तो BSF की पहली महिला स्नाइपर सुमन कुमारी जी बनी है, और वहीं नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है, तो अनामिका बी राजीव जी बनी है। तो ये सभी पॉइंट आप सभी को याद रखना है, ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ये आप देख सकते हैं ये कौन है, तो ये है अनामिका बी राजीव जी, ठीक है, ये कौन है, तो ये आर्मी की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बन गई है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, प्रश्न हमारा है 10वां, हाल ही में ओम बिलड़ा किस सीट से 20 वर्षों में सांसद के रूप में फिर से चुने जाने वाले पहले लोकसभा अध्यक्ष बने हैं, तो लोकसभा अध्यक्ष जो है कौन बने हैं, अभी बने नहीं हैं लेकिन यही बनने वाले हैं, तो ये हैं ओम बिड़ला जी, ठीक है, ये जो है 20 वर्षों से ऐसा पहली बार हुआ है कि कोटा सीट से कोई दूसरी बार जो है क्या चुना गया है, सांसद चुना गया है कोटा सीट से, तो ये दूसरी बार जो है कोटा सीट से क्या चुने गए हैं, सांसद चुने गए हैं, ये आपको याद रख लेना है। और 2023 में अगर पूछे 2024 तक जो है लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो ये ओम बिड़ला जी थे, यानी कि 17वीं लोकसभा के जो है लोकसभा के अध्यक्ष पूछे कौन बनाए गए थे, तो ओम बिड़ला जी बनाए गए थे, और इनका अगर पूछे क्षेत्र कौन सा था, तो इनका कोटा क्षेत्र था, और यह जो है स्थान कहाँ है, तो यह राजस्थान में है, और ये दूसरी बार जो है कोटा से फिर चुनकर आए हैं। अभी जो है इनको लोकसभा का अध्यक्ष बनाया जाता है कि नहीं बनाया जाता है, उसके बारे में अभी 18वीं लोकसभा के लिए इनको देखते हैं कि इनको कौन सा पद दिया जाता है, ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट जो है प्रश्न की बात करें, तो हमारा प्रश्न हो जाएगा
दो तीन पॉइंट याद रखना है कि लोकसभा के क्षेत्र से आने वाले जो अध्यक्ष थे उनका सीट मैंने बता दिया, जैसे ओम बिड़ला जी कहाँ से चुने गए हैं तो ये कोटा से चुने गए हैं। और दो महिलाओं के बारे में याद रखना है, एक तो मीरा कुमारी जी के बारे में याद रखना है, ये भी जो है लोकसभा के अध्यक्ष रह चुकी हैं। और पूछे कि ये किस क्षेत्र से चुनकर आई हैं, तो ये सासाराम बिहार से चुनकर आई थी, ठीक है, सासाराम बिहार से चुनकर ये लोकसभा की अध्यक्ष बनाई गई थी। इसके बाद दूसरी महिला का अगर पूछे कि सुमित्रा महाजन, दूसरी महिला ये भी जो है क्या बनी थी, तो लोकसभा अध्यक्ष बनी थी सुमित्रा महाजन। अगर पूछे ये किस क्षेत्र से चुनकर आई थी, तो सुमित्रा महाजन जी किस क्षेत्र से चुनकर आई थी, तो ये इंदौर से चुनकर आई थी। कहाँ से, तो ये इंदौर लोकसभा से चुनकर आई थी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर पूछे कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे जीबी मावलंकर। कौन थे, जीबी मावलंकर जो है ये पहले लोकसभा अध्यक्ष थे। माव कौन थे, तो एक सेकंड फिर से बता देते हैं, जीबी मावलंकर, ठीक है, तो ये लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। अगर पूछे कि लोकसभा के लिए कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल है 93, ये लोकसभा के लिए 93 आर्टिकल है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, कोटा से कौन चुनकर आते हैं, ओम बिड़ला जी। तो ये आज का करंट अफेयर क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट अगर जल्दी रिवीजन करें तो एक सरसरी निगाह में दो मिनट के अंदर हम रिवीजन कर लेते हैं, ये हैं ओम बिड़ला जी, ठीक है। तो हम 11 तारीख के करंट अफेयर को रिवीजन करते हैं, जिसमें आप सभी को मंत्रिमंडल भी किसको कौन सा पद दिया गया है उसको भी मैंने इसमें डाल रखा है, लेकिन अगर आप सभी को पढ़ना है तो वीडियो पॉज करके भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो हाल ही में यूरोपीय संसदीय चुनाव में हार के बाद किसने मध्य अवधि चुनाव की घोषणा करी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रांस ने करी है। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन थे, तो इमैनुअल मैक्रोन थे, जो कि हार गए हैं। इसके बाद आप सभी इसको खुद से पढ़ सकते हैं कि जैसे रूस के पीएम कौन है, हंगरी के प्रेसिडेंट कौन है, ये आप सभी खुद से अपने तैयार कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा हाल ही में चर्चा में रही आत्मकथा सोर्स कोड का संबंध किससे है, तो सोर्स कोड का संबंध है बिल गेट्स से, ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी के 4-5 क्वेश्चन और दिए हैं, कौन से किसकी बुक है ये भी आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट है हाल ही में पहली बार फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्लोस अलकराज ने जीता है। अगर पूछे महिला में किसने जीती है, तो ईगा स्वेटक जीती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न हो जाएगा, कुछ और दिया गया है ओपन, इसको भी आप सभी खुद से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है हाल ही में आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 42वां सदस्य देश कौन सा बना है, तो वह बन गया है पेरू। कौन बन गया है, पेरू, ऑप्शन सी हमारा स्लोवाकिया बन गया है, सॉरी स्लोवाकिया बन गया है, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, हाल ही में मोदी कैबिनेट 3.0 में रक्षा मंत्री किसे बनाया गया है, तो फिर से एक बार दोबारा राजनाथ सिंह जी को बना दिया गया है। और बाकी का जो जिसको मंत्री पद दिया गया है उसके बारे में मैंने लिख दिया है, जैसे जेपी नड्डा, ये पहले क्या थे, बीजेपी के अध्यक्ष थे, इनको भी हाल ही में कौन सा पद दिया गया है, तो स्वास्थ्य मंत्रालय इनको दिया गया है, ये आपको याद रखना है। और जैसे शिवराज सिंह चौहान को कौन सा पद दिया गया है, तो कृषि मंत्रालय दिया गया है, ऐसे मैंने सारा लिख के रखा है, आप सभी इसको जो वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करें, प्रश्न हमारा है छठा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस के 2024 कब मनाया गया है, यानी कि जो प्राचीन वस्तुएं हैं या फिर कोई चीज़ है जैसे किताब हो, उन सभी को संरक्षित रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखा दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन डी 9 जून को। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में फ़ोनपे ने किस देश की कंपनी पिकमी के साथ संपर्क रहित भुगतान के लिए साझेदारी करी है, तो पिकमी कहाँ का है, या श्रीलंका का है, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है हाल ही में एशियाई बैंकर द्वारा बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो सेबी को सम्मानित किया गया है। और अगर पूछे सेबी का मुख्यालय कहाँ है, तो लखनऊ में है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत के टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ने किस देश में आयोजित हिल ब्रॉन नेकर कप चैलेंजर्स का खिताब जीता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन बी जर्मनी हो जाएगा, सॉरी इसका सही जवाब हो जाएगा डेनमार्क। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने किससे प्रथा के विरुद्ध 4 राज्यों को नोटिस भेजा है, 4 राज्य कौन कौन से हैं, तो राजस्थान, इसके बाद गुजरात, इसके बाद यूपी, यूपी के बाद मध्य प्रदेश, तो इन 4 राज्यों को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने नोटिस भेजा है किस प्रथा को लेकर, तो नाता प्रथा को लेकर भेजा है, ठीक है, तो ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट, अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ स्टूडेंट वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद जय भारत।